विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। अभी हम यहाँ से अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 35-40 किलोमीटर है हमारी डिलीवरी। आपको पता ही होगा जिन भाइयों ने लास्ट व्लॉग देखा है, तो अभी हम इस पंप पे रुके थे, ये पीछे हाईवे है और ये हमारा ट्रक है। इधर डिलीवरी का तो हमें पता है पर पिकअप की अभी हमें मेल नहीं आई। पिकअप आएगी फिर पता चलेगा कि किस साइड को जाना है। इसके बाद रास्ता है और साइडों पर कारों की पार्किंग, पूरे बॉक्स बनाए हुए हैं पार्किंग लगाने के लिए। और छोटा सा गांव है ये, 1-2 किलोमीटर के लिए आता है ये रास्ते में और यहाँ से 1 किलोमीटर में हमारी लोकेशन आ जाएगी। ये भाई मुझे चर्च लग रही है यार। ओहो हो 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 हो, ये कैसे रास्ता जा रहा है, ये चर्च है मेरे हिसाब से। आप देखो भाई कैसे कैसे रास्ता जा रहा है ना, उधर से जाके फिर से राइट, बिल्कुल नीचे उतार रहे थे ट्रक जब सामने से ट्रक आता है। पूरा है ना, आप शोल्डर देखो है ही नहीं साइडों पे। हाँ जी भाई पहुंच चुके हैं अभी हम लोकेशन के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर डॉग दिया, 4 डॉग इनके पास, एक भाई लगा रहा है और तीसरी डॉग हमारी है 3 नंबर वाली। जी ट्रक हमने यहाँ पर पार्क लगा दिया भाई, 4 ही डॉग थी इनके पास और एक हमको मिल गई, 3 और भाई हैं उधर, 4 की 4 ही फुल और 1-2 भाई पीछे वेट कर रहे हैं। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता तो मेरी उनके बाद वारी आती, तो ये सारे भाई पहले आ जाते। मेरी अपॉइंटमेंट 8:30 की थी पर मैं 8 बज गए, 7 मिनट के ऊपर यहाँ पर पहुँच गया था, तो बिजली चौक लगा देते हैं पहले। तो अभी हम यहाँ पर खाना वगैरह खा लेते हैं, अभी देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं, क्योंकि पहले वाले बाइक को उतारेंगे फिर ऐसे वाले बाइक को, फिर हमारी बारी आएगी 3 नंबर के ऊपर। हाँ जी तो डिलीवरी हो चुकी है, यहाँ से पिकअप आ चुकी है। पिकअप यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है मेरे हिसाब से, 240 है शायद, और इसी वर्जीनिया स्टेट में ही है। और लोड लेके हम जा रहे हैं ऑकविल, तो ब्रैम्पटन को हमने जाना है। और वीकेंड जो इस वाला जो वीकेंड अभी आएगा, आज सोमवार है, वीकेंड पे मेरा एस्टिमेट है कि शुक्रवार या शनिवार घर पे हैलीफैक्स पहुंच जाएंगे। इस साइड पे देखो पूरा जंगल है और पीछे यार है इनका, और इस साइड जंगल है। वो नीचे क्या दिख रहा है भाई, वो गायें हैं, एक मोरी एक ही दिख रही है यार, एक गाय है नीचे, पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं, अभी देखो। और यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर है और मैंने चेक किया था 7-8 तक जाएगा आज शाम को। पहले मेरा इरादा था कि यार बैग लगाते हैं ड्रोन ऊपर उड़ा के, फिर मैंने यार प्लान ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं अगली बार बनाएंगे। और पीछे कुछ पहाड़ थे मैंने हाईवे से देखा था, और जो ये गांव है ना काफ़ी सुनसान गांव है, तो एक बार ड्रोन उड़ाते हैं यहां पर और देखते हैं कि कैसा गांव है। चुका है हमारा डन यहाँ से, और अभी हम चलते हैं सिक्योरिटी गार्ड के डोर के ऊपर है, हम पेपर वर्क लेना है इससे। अपने भाई के साथ बात करते करते ने मैंने टाइम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने जब टाइम चेक किया तो सिर्फ 50 मिनट रह गए थे मेरे पास। और ये लास्ट वाला रेस्ट एरिया था पेंसिल्वेनिया में, इसके बाद जो ट्रक स्टॉप है जहाँ रेस्ट एरिया है वो 135 किलोमीटर के बाद आता है, तो हमने यहाँ पर ट्रक लगा दिया। वैसे ये पंपना बहुत ज़्यादा बिजी है, आप देखो कि साइडों के ऊपर भी ट्रक लगे हैं इधर,
और हमने भी आपको पता ही है फिर हम ऐसे पार्किंग ढूंढ ही लेते हैं, तो उधर भी बाइक खड़े हैं एक्स्ट्रा। बहुत बड़ा रेस्ट एरिया है ये वाली पार्किंग है एक, और एक परली साइड पे पार्किंग है। हम अंदर भी चलते हैं इसके रेस्ट एरिया के और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। अंदर बर्गर किंग है तो बर्गर किंग खा लेते हैं आज के दिन, यार थोड़ा सा मूड है बर्गर बुर्गर खाने का। बहुत दूर हमें जाना पड़ेगा खाने पीने के लिए। बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं अभी अंदर और ट्राई कर रहे हैं पार्किंग, क्योंकि लास्ट वाला ट्रक स्टॉप है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये पंगा होएगा ही। बर्गर किंग तो अंदर बंद था, पर अंदर 7-Eleven का स्टोर था तो वो खुला था। अंदर से हमने बुरीटो ले लिया, एक वेजी बुरीटो। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आपको सुबह। सुबह करते हैं बाकी के ड्राइव। किलोमीटर पर ब्रैम्पटन है और मेरे हिसाब से 450 किलोमीटर के ऊपर बाटर है। जैसा आपने ड्रोन शॉट में देखा कि सूरज निकल रहा है उधर से थोड़ा थोड़ा, और अभी दिन चढ़ चुका है ऑलमोस्ट और सुबह की हो चुके हैं 7। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नो आनी स्टार्ट हो गई और ऊपर मौसम तो भाई ऐसा लग रहा है देख के बारिश या स्नो होने वाली है, पर मैंने वेदर चेक नहीं किया कि क्या हाल है वेदर का। इस भाई ने लगा लिया यहाँ पे ट्रक। ओ अच्छा मर्ज हुआ है भाई, तो भाई को टाइम लगेगा स्पीड लेने के लिए थोड़ा सा ना। वैसे इसको बगाना चाहिए था शोल्डर के ऊपर ही थोड़ा सा और, क्योंकि शोल्डर काफी बड़ा है, तो भाई थोड़ा सा और बगा लेता तो बढ़िया है। चलो अभी तो स्पीड पकड़ गया एमैक्स वाला, एमैक्स फ्राइट। यहाँ से बॉर्डर रह गया भाई 100 किलोमीटर के करीब, तो जो रेस्ट एरिया आ रहा है उसके ऊपर जाके पेपर वर्क भी बनाएंगे बॉर्डर के लिए। अभी भाई की स्पीड तेज होगी ना, अभी भाई ने रास्ता नहीं देना मेरे को। भाई ट्राई करेगा कि इधर से ही ओवरटेक कर जाए मुझे। तो भाई ने स्पीड उठा दी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। भाई ने फ्लैशेस मार दिए अभी, ठीक है लाइटें मार दी, करने के बाद भाई को फ्लैशर मार देते हैं। ठीक है भाई का ट्रक देखो यार, इंडिया में चलते हैं ना ऐसे मॉडल, यहाँ पे नहीं चलते। अब वो खड़ा हमारा ट्रक पीछे। तो अभी हम रेस्ट एरिया के ऊपर, भूख लगी है भाई बहुत, रोटियां खा खा के परेशान हो चुके हैं और अंदर मैकड़ी है और सब वे है। प्लस में टेम्परेचर होने के कारण ना सारी स्नो फिर रही है यहाँ पर, देखो कितनी सॉफ्ट भी पड़ी है। यहाँ पे इन्होंने एक ही रेस्टोरेंट बनाया है, अगर हम यहाँ पर अपना ट्रक लगाते हैं तो इससे अंदर जाके उधर मैकड़ी, अगर दूसरी साइड वाला हाईवे वाला आता है तो वो उधर से आएगा इसके बीच में। मतलब इन्होंने बीच में बनाए हुए हैं रेस्टोरेंट, उधर वालों के लिए भी सेम, इस साइड वालों के लिए भी सेम। और यहाँ से जाता है हाईवे और उधर लगे हैं शीशे, हम पहले भी वीडियो बनाते हैं यहाँ से हाईवे की, तो इसमें लगे हैं शीशे नीचे देखने के लिए। तो यहाँ से आप अपना हाईवे का नज़ारा ले सकते हो। ये जाता है ट्रक, एक वो आ गया भाई, इधर से देखते हैं। सब वही है यार, सब वही है इधर, मैंने सोचा था कि सब वे जैसा है पर सब वही है। तो देखते हैं क्या खाएं यार, कंफ्यूज हो जाते हैं इतने रेस्टोरेंट देख के, तो सब भी ले लेते हैं, सब भी ठीक रहेगा। काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है ना, तो एक ही वेयर हाउस में काफ़ी सारे मतलब ऑफिस आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 4-5 ऑफिस हैं एक ही वेयर हाउस में। तो अभी इन्होंने हमें डोर 2 दे दिया, तो पीछे जो डोर ओपन है उधर लगाना है हमें पार्क। जी भाई, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन में। एक मुझे बहुत ही बढ़िया मतलब यादगिरी मिली मेरी, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने यहाँ पर काम किया, मैंने आपको दिखाता हूँ। वो सामने स्वीट शॉप है ना, उसके बाहर मैंने गन्ने की रेडी लगाई है। अभी हम आ चुके हैं ट्रक में और आज का व्लॉग यहाँ तक ही, सुबह जाएंगे, सुबह पिकअप करेंगे जाके मिसिसागा में, और वो रोड लेके हमको जाना है मॉन्ट्रियल को। जो भाई नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you.